संसद में स्पीकर के तरफ जब राहुल गांधी ने ऐसा इशारा किया तो उनके इस फ्लाइंग किस की चर्चा हर तरफ होने लगी। तुरंत ही फ्लाइंग किस नंबर 1 पे ट्रेंड करने लग गया और स्मृति ईरानी और राहुल गांधी नंबर 2 और नंबर 3 पर। बीजेपी ने जब राहुल गांधी की ऐसी आचरण की निंदा की तो वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पे नरेंद्र मोदी के कुछ ऐसे ऐसे इशारे ट्रेंड करने लग गए जिसे देख आप भी सोच में पड़ जाओगे। राहुल गांधी के फ्लाइंग किस मामले के जवाब में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने एक ट्वीट किया है और बोला है कि अच्छा फिर इसको क्या कहते हैं। वही शैलेंद्र सिंह नाम के एक यूजर ने ये वीडियो पोस्ट करते हुए बोला है कि राजस्थान रैली में हजारों महिलाओं के सामने देश के पीएम कितने आपत्तिजनक इशारे कर रहे हैं, ये संस्कार है देश के पीएम का। वही कुछ लोगों ने एमपी के सीएम शिवराज चौहान का ये वीडियो पोस्ट करते हुए बोला है कि इस पे क्या बोलोगे। अमित शाह के बेटे जय शाह का भी एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें वो कुछ ऐसे इशारे करते नजर आ रहे हैं। क्या ये फोटो अमित शाह जी को नहीं दिखता। वही कांग्रेस नेता नीता डिसूजा ने राहुल गांधी के फ्लाइंग किस देते हुए का वीडियो पोस्ट करते हुए ये बोला, दिन रात मुद्दों और तथ्यों से देश का ध्यान भटकाने वाली बिगेस्ट झूठ प्रोपेगेंडा पार्टी एक बार फिर अपने काम में लग गई है, लेकिन देश खुद यह वीडियो देखेगा और फैसला करेगा। वीडियो से साफ है कि राहुल जी के सामने पुरुष सांसद हैं, स्मृति ईरानी तो सामने है भी नहीं, लेकिन राहुल फोबिया ऐसा है कि हर जगह राहुल जी ही दिखाई देते हैं। इस बीच हेमा मालिनी इस फ्लाइंग किस के चर्चा में तब आ गई जब उन्होंने एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने राहुल गांधी को फ्लाइंग किस देते हुए देखा ही नहीं। वही दूसरी ओर राहुल गांधी के शिकायत वाली चिट्ठी में हेमा मालिनी का दस्तखत देखने को मिला है। मोहम्मद जुबैर नाम के एक व्यक्ति ने ये दावा किया है ट्विटर पे कि राहुल गांधी के इमेज को एडिट करके एक गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे बात में विपक्ष को ये नहीं भूलना चाहिए कि चर्चा का विषय मणिपुर होना चाहिए और ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी इस मुद्दे से लोगों को भटकाने का प्रयास कर रही है। इस खबर पे आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा।